जय हिंद दोस्तों, मुंबई प्लस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन चुनाव में आज 20 तारीख है जो मुंबई में मतदान होना है, 5-6 सीटों को लेके मुंबई में। और हम कुछ वोटर्स से बात करेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है, क्या कुछ बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। आइए, हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डाल के आए, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या क्या कहना है। भाई, आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ में। आपका क्या मुद्दा है इस देश को लेके? ये देश को लेके हमारा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री बदली होना चाहिए। और बेरोज़गारी मुद्दा ये है कि बेरोज़गारी है, फरका परस्ती है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो मतलब कि इशू ही नहीं है। लोगों की बेरोज़गारी बढ़ गई है और कोई मतलब कि इशू पे प्रधानमंत्री बात नहीं करता है, दूसरे चीज़ों को लेके बात करता है। जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री को बदली होना चाहिए और बदला होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बार कहा था कि 400 बार, तो आपको क्या लगता है कि 400 बार होएगा? शायद तड़ी पार का तो नारा सही रहेगा, 400 पार तो नहीं रहेगा। उद्धव ठाकरे आज यहाँ पर पहली बार यहाँ चीता कैंप में आए थे और हमने देखा कि मुसलमान क्राउड उनको काफ़ी सपोर्ट करा था, तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में क्या सपोर्ट मिलेगा? महाराष्ट्र में फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की इज्जत का और विकार का सवाल है। अब महाराष्ट्र का सवाल हो गया है और महाराष्ट्र में बिल्कुल से गद्दार लोगों को आकर भगाया जाएगा और तो उद्धव ठाकरे की हुकूमत यहाँ पर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वासिफ भाई आए, हम वासिफ भाई से बात करेंगे जो ये भी एक वोटर से। वासिफ भाई, आपका क्या मुद्दा है? बस वही जो इन्होंने बोला है वही है। आप चीता कैंप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँ उसके लिए, मतलब यहाँ का चीता कैंप का क्या मुद्दा है, क्या कुछ यहाँ पर बदलना चाहिए? बहुत कुछ बदलना चाहिए यहाँ पे। यहाँ रोड खराब है, गटर पानी भरा रहता है हमेशा, बहुत कुछ ऐसे बहुत से इशू है। महंगाई को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो पूछिए मत, आप महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? महंगाई तो इतनी है कि आदमी भूखा मरने की नौबत आ गई। मोदी का कहना था 400 पर, तो आपको क्या लगता है? 400 पर क्या तड़ी पा रहे वो। बहुत बहुत शुक्रिया वासी भाई। आइए, हम और भी लोगों से बात करेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है। आइए, हमारे साथ चीता कैंप में और भी वोटर्स है, उनसे बातचीत करेंगे और उनका क्या कहना है देखेंगे। आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है कि हम खाली सिर्फ मशाल को ही वोट देंगे, हमको मशाल ही जीतना है। मशाल ही क्यों? मशाल इसके लिए क्या वो सबका विकास करते हैं और ये जो मोदी सरकार आई है सबको बर्बाद करके छोड़ी। बट मोदी सरकार ने भी तो विकास का दावा किया है। विकास का खाली उन लोग के जुमले है, दावा नहीं है। जो कांग्रेस करती है वो मोदी सरकार नहीं करता। तो आपका ये कहना है कि आने वाले दौर में आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी या फिर कांग्रेस पार्टी किसी एक को देखना चाहेंगे, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? उनसे बहुत कुछ अपेक्षा है। उन्होंने बोले कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और वो करके दिखाने वाले में से है, तो इसके लिए हमको कांग्रेस पार्टी ही चाहिए। आप चीता कैंप में क्या मतलब बदलाव देखना चाहेंगे? चीता कैंप में तो अभी से बदलाव ही बदलाव। हमारे जो कार्यकर्ता है चीता कैंप के, वो मोदी हो या कोई भी हो, फिर भी हम एकजुट काम करते हैं चीता कैंप में रह के, खड़े रह के। नाले का बोलो, पानी का बोलो, गटर का बोलो, किसी का भी बोलो, हम एकजुट खड़े होके काम करते हैं। हम किसी पार्टी पॉलिटिकल से काम नहीं करवाते, हम खुद खड़े रह के काम करते। आप खुद करते फिर भी आप मशाल को सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, चीता कैंप के और भी वोटर्स हैं, हम उनसे बात करें। आकाश डीलर्स के ओनर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है। आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ में, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मुद्दा है? आज बहुत ही अच्छा माहौल है, अच्छी वोटिंग हो रही है चीता कैंप में, बहुत ही अच्छी वोटिंग हो रही है, पहले से भी ज़्यादा वोटिंग होगी आज। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये रोड का मुद्दा है, बन रहा है, ये अपना गटर का मुद्दा, गटर बन रहा है, सब बन रहा है। अच्छा, मोदी ने कहा था इस बार 400 पार, तो उसके बारे में क्या कहना? नहीं 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 होगा, 400 पार नहीं होगा। आप ये आपके एक्सपीरियंस से कह रहे हैं या फिर कोई और बात? एक्सपीरियंस तो हर आदमी को एक्सपीरियंस होता है ना यार, ऐसा थोड़ी क्या, किसी के कहने पर कोई 400 पार थोड़ी बोल देता है। चीता कैंप के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए चीता कैंप में? होना ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत झुना हो गया है, या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप इस एरिया में अनुशक्ति विधानसभा में आप किसको मतलब एमपी देखना चाहेंगे? ये टाइम में देखो ज़्यादा से ज़्यादा साई अनिल पवार, ये शर्मा आएंगे, ये देसाई, अनिल देसाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, हम और भी वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे। खाला, आपका क्या मुद्दा है? बस यही चाहते हैं कि आवाम क्या अच्छी तरह से सलामती के साथ वो लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून से चैन और अमन के साथ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज पब्लिक तकलीफ उठाई हो वो ना होए। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हर घर से पूछोगे तो आप आंसू के सिवा कुछ नहीं बता सकेंगे, क्योंकि हर घर में कोई 5 है, कोई किसी के 6 है, कोई किसी के 2 है, तो उसकी 2 की भी कमाई में बस नहीं हो रहे, तो कहाँ से मुद्दे में आप सुकून से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे।
आइए, बहुत से वोटर्स यहाँ पर बैठे हुए जो वोट डाल के आके बैठे हुए गर्मी में, कुछ छाव में बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है। आंटी आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज में, आपका क्या मुद्दा है आंटी? हमारा मुद्दा एक ही है कि हम लोग मशाल, एक नंबर मशाल, हमारा यही मुद्दा है, इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा। महंगाई को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो दुनिया की हो गई भाई, क्या कस बता सकते हैं महंगाई तो, महंगाई इतनी महंगाई हुई तो इंसान जी नहीं सकता, इतनी महंगाई हुई, इसलिए अभी हम लोग एक नंबर मशाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए चितंग में, कुछ जानी मानी हस्ती बैठी हुई, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने सलाम भाई बैठे हुए, सलाम भाई से बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या कहना है। सलाम भाई आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज में, सलाम भाई आपका क्या मुद्दा है चिता गेम को लेके? मुद्दा कुछ भी नहीं है, मुद्दा एक ही है, हमारा एक ही इरादा है, एक ही तौर से है, वो हमारा जो है हम मशाल के साथ है। सलाम भाई मशाल ही क्यों? मशाल इसके लिए क्योंकि हम कुछ बदलाव चाहता ना, हमारे यहाँ पर अभी 10 साल से कोई बदलाव तो आया नहीं है। आप तो मालूम है महंगाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या समस्या है, सिर्फ इस पे जात बात में बांट रहे पूरा कुछ, और कोई समस्या है ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कुछ बदलाव लाने के, बट हमने कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी नहीं है, शिवालय भी अपना दोस्त है, वो अलग बात है, मगर बदलाव लाना जरूरी है, अभी सब बढ़ चुका है ना एक साल। आप जात बात की बात करें, हमने कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे करके, इसके बारे में क्या मालूम है? वो पल पल में अपने बात चेंज करते हैं, कुछ कब क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है। अच्छा क्या किया अभी तक ये बताइए, अपने जनता के लिए क्या किया? वो जनता के प्रधानमंत्री है, जनता चूज को लेके जाता हूँ वहाँ पर। ओके, तो प्रधानमंत्री किसी जात बात का बात नहीं करना चाहिए, वो सबका प्रधानमंत्री है, वो किसी भी दलित का हो, पंडित का हो, क्रिश्चियन का हो, मुस्लिम का हो, ब्राह्मण का हो, सबका प्रधानमंत्री हो, एक प्रधानमंत्री सबका, जनता का प्रधानमंत्री हो, तो एक तरफ नहीं करना चाहिए उसको बात। नरेंद्र मोदी का कहना था कि इस बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है 400 पार होएगा? 400 पार तो होएगा, तो बाकी किसी दलित को वोट नहीं मिलेगा, का ये वही लेके जाएगा 400 पार, और कोई भी पक्ष नहीं है बाकी, और भी कितना है, कितना 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 लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन के अंदर मैदान में, तो 400 लेके गया तो बाकी क्या है, तो वही डिक्लेयर कर सकता। ऐसा नहीं, देखो प्रधानमंत्री से भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना गृह मंत्री से हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कुछ भी, हमारे कहने का मतलब किसी भी पार्टी आने दो, पब्लिक को कोई फायदा होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब। हम यहाँ पर बहुत से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, सब लोगों का महंगाई के ऊपर बहुत कुछ कहना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? तो है ही है महंगाई, हर तरह से महंगाई है, सिर्फ महंगाई बोलते हो, एक आदमी एक मामूली घर वाला 1000 रुपए लेके बाजार में जाएगा तो उसके पास 1 रुपए नहीं बचते, सब्जी से लेके हर चीज से लेकर आप लेके चलो कोई भी चीज, हर चीज की महंगाई है। अभी तो हालात बहुत ही खराब है मेरे भाई, आप तो जानते ही है पब्लिक है, हमारे तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सब जगह यही है, यही विचार है, सब कुछ है, तो पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो गया है, तो चाहता है कुछ बदलाव लाने के लिए। अभी आगे देखो, बाकी प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी पार्टी का हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्यों हम अपना कहते हैं, हम किसी का रहता नहीं है, हमारा कहता, हम चाहते हैं कोई भी मंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, मगर पब्लिक के लिए कोई, जनता के लिए कोई अच्छा करो, अच्छा दिन बोल के ना, अच्छा दिन भी नहीं है, बुरा से बुरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम भाई, आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त चितंग की जानी मानी हस्ती शब्बीर भाई है, शब्बीर भाई से बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या उनका क्या कहना है। शब्बीर भाई आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ में, शब्बीर भाई आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा कोई भी नहीं है, सिर्फ संविधान को बचाने वाला मुद्दा है, और पूरे चिता कैम की जो आवाम है इस बार सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की एकता को कायम रखने के लिए वोट डाल रही है। बट बीजेपी तो बोल रही है कि हम संविधान को नहीं हटाएंगे। बीजेपी का जो बोलना है और उसका जो करना है उसका जमीन आसमान का फर्क है, जो जो चीज़ बीजेपी बोलती है वो कभी की है क्या, बराबर क्या नहीं, ये तो हम लोग 2014 से देखते आए हैं। जो चीज़ बीजेपी बोली है कि संविधान को नहीं हटाएंगे, मतलब वो 100% हटा के रहेंगे, समझेंगे। इसके लिए चिता कैम की आवाम इस टाइम पर मेरा एक ही है कि देश की अखंडता एकता को कायम रखने के लिए वोट डाल रही है। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है शब्बीर भाई? महंगाई वो तो सब आपको भी पता है, महंगाई तो इतना है कि चरम सीमा पे है महंगाई, मतलब हर चीज़ में लोग परेशान है, सिर्फ उसके बाद में भी अच्छे दिन की बात करते हैं। आज तो लोग ये भी बोलने को लगे कि जो हमारा बुरा दिन था वही हमको वापस लौटा दोगे तो हमारा मतलब बहुत अच्छा होगा करके। आज की बात है शब्बीर भाई, नासिक में कुछ शेतकरी लोग ने एक जिले में वोट डालने के लिए गए थे, तो गले में उन्होंने कांधे का माला पहन के गए थे और ये बताना चाह रहे थे कि महंगाई कितनी बढ़ गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महंगाई के बारे में तो हर एक तबका, हिंदुस्तान का हर एक तबका, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर आदमी परेशान है, बराबर है क्या नहीं। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का बता के है ना, परेशानी तो सबके सर में आई ना। आज तुम एक बात मैं मतलब आपको पूछना चाहता हूँ कि ठीक है,
कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, हिंदू प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो, हिंदुओं का वोट चाहिए, बराबर है। लेकिन आज जो सिलेंडर हमको 1100 में मिलता है वो हिंदुओं को कितना 400 में मिलता है, जो दाल हमको 200 में मिलता है हिंदुओं को क्या 65 में मिलता है? नहीं, ये कैसा है कि परेशान सब हुआ है, खाली है ना एक अच्छा इनके पास एक स्लोगन मिल गया हिंदू मुस्लिम वाला, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी के दोस्त है, इनका फायदा सिर्फ अदानी और अंबानी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ करके, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सदियों का सबसे बड़ा जोक है, ये सदियों का सबसे बड़ा जोक है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ। अगर तुम हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे तो तुम्हारे को है ना तुम्हारे लोग भी नहीं पूछेंगे। चीता गेम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए चीता गेम में? नहीं, चीता गेम के बारे में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम हर चीज में पीछे है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये इलेक्शन है 2024 का इलेक्शन है, इसके बाद में कुछ फिजा चेंज होगी, क्योंकि हम आज तक एक तरफा वोट डालते आए थे आंख बंद करके, इस दफ़ा ऐसा मौका मिला है, ये भी ऊपर वाले का एक करामत है कि हमको हमारे सोच के विपरीत में जाके वोट डालना पड़ रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग इस टाइम पर वोट डाल रहे हैं, इसके बाद में जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा उसको लगेगा कि हाँ चीता कैम के लोगों ने हमारे पर एहसान किया था, तो उसके एहसान के बदले में यहाँ पे काम भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ में चीता कैम के वोटर है जाकिर भाई, उनसे बातचीत करेंगे और इंडिया को लेके क्या कहना है। देश तो बहुत अच्छे है, लेकिन देश को चलाने वाले बुरे हैं, तो क्या कर सकते। महंगाई को लेके क्या कहना है आपका? महंगाई भी तो अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ, पैसा एक टाइम गिरा नीचे अभी तक नहीं मिला। मतलब कितना पैसा आपका गिर चुका है? तो अभी मोदी साहब 10 साल से अभी तक नहीं मिला, जो 15 लाख दे रहे बोले, मैंने उसको एक को उधार लिया, वो 15 लाख डालेंगे उसको छुतिया बना रहा, वो अभी बोल रहा पुलिस में जाएगा करके, वो 15 लाख डाल देंगे तो उसका उधार पेट दूंगा। तो आपका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? तो सरकार तो अच्छे तो आएंगे इसके बाद, अच्छा तो आएंगे इसके बाद, तो सबको पता है। जाकिर भाई, आपके कहने के मुताबिक हम समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, चीता गेम की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ को क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव देखो, पहली बात यहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, वो बदलाव होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्यों तो कोई भी MP MLA कोई भी आ रहे नगर सेवक उनका अध्यक्ष कर रहे लोग, लेकिन हम जैसे जो कार्यकर्ता रहते बीच में पॉलिटिक्स वाले, वो सही पकड़ेंगे ना, जो चीज़ लोग एक साथ एक टाइम एक नगर सेवक करके जाता है, दूसरे नगर से उसको फॉरवर्ड करना, फिर तीसरे ने उसको फॉरवर्ड करना, जब जाके डेवलपमेंट होएगा। तो एक गया तो उसका निशानी बंद करने के लिए उसका काम को पूरे तमाम कर देते, फिर वो खत्म हो जाता, फिर नए तरीके से नए पन से उसका नाम करने के लिए कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है उसको खत्म कर रहा है, ये ऐसा चल रहा है। हम आपके पहले मुद्दे पे आते हैं, सबसे पहला मुद्दा जो आपने उठाया था इलेक्शन कार्ड का, कुछ आप घोटाला बता रहे थे, उसके बारे में बताइए, अभी क्या कहना चाह रहे थे आप? देखो, एक मित्र है, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये सामने इनको बताओ। मेरा ये देखो भाई, वोटर आईडी में मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद जावेद मोहम्मद यूसुफ शेख मेरा नाम है, ये इसमें वोटर में जब चेक कर रहा हूँ तो बोलता है मोहम्मद जावेद मोहम्मद याकूब शेख लिखेला है, यानी बाप का नाम ही चेंज कर दिया है, नरेंद्र मोदी का नाम चेंज हो गया है, उनको वो नहीं पता है ऐसा नाम चेंज करके आ रहा है, तो उसके लिए लोग ऐसा बहुत से लोग का गड़बड़ है अंदर, जो कि ऑफिसर जिस जिसको दिए ना, और एक फैमिली के अंदर 4 लोग का है, 5वां नंबर का नहीं है, अभी नया यंग जनरेशन यूथ के जो लड़के लोग जो नया इलेक्शन का जो कार्ड आया है तो उनका भी बराबर नहीं है, वो भी बच्चे परेशान होकर घूम रहे इधर। तो आपका कहना क्या है कि इस नाम के करेक्शन की वजह से वो लोग वोट डालने नहीं दे रहे? नहीं, वोट डालने कैसा देंगे जब नाम करेक्शन पे, कैसा देंगे वोट डालने जब करेक्शन करके आओ बोले तो कैसा, लोग थोड़ी घर पे जाके रबर करके करेक्शन करके आएंगे एक मिनट में, वो लोग पूछना चाहिए ना, जब इलेक्शन लोग डिपार्टमेंट लोग घर घर पे आए तो बराबर पूछना चाहिए, सिर्फ चिट्ठी देके जाने से क्या है, पूरे नाम लेके बाप का नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है पूरे पूछ के देना चाहिए, लोग ऐसे चिट्ठी देके चले गए तो फिर ऐसा मतलब ये टाइम में अभी तो कुछ कर नहीं सकते, पोलिटिशियन भी बंद है, इलेक्शन ऑफिस भी बंद है, कौन कर सकते इलेक्शन में पड़े वोट में कौन कर सकते बताओ? तो इसमें किसी की साजिश वगैरह आपका कुछ लगता है? साजिश तो पूरा पॉलिटिक्स वाले का साजिश होता है, वो ध्यान बराबर देते तो ये क्यों ऐसा होता था, बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है।